उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। और चंगा यूपी के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, कर्फ्यू का स्थान अब कावड़ यात्रा ने ले ली है। भव्य कावड़ यात्रा निकलती है, धूम धड़ाके के साथ निकलती है। सुरक्षा की गारंटी हम लोगों की है, एक तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला के भी दर्शन हो रहे हैं। हो रहे हैं ना अयोध्या में रामलला के दर्शन हो रहे हैं ना? कितने लोग गए अयोध्या दर्शन करने के लिए? काफी लोग चले गए हैं। शेष जो लोग होंगे चुनाव के बाद धूम धड़ाके के साथ अयोध्या जाइए। अयोध्या में आपको लगेगा कि त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या धरती पर उतर गई है। ये 500 वर्षों तक इंतजार किसने कराया? और हमारी पीढ़ी तो सबसे सौभाग्यशाली है कि हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। कई पीढ़ियां बीत गई, चली गई, इंतजार करते करते वे चले गए, लेकिन उनकी मन की एक कामना कभी पूरी नहीं हो पाई कि वे भी रामलला को अयोध्या में विराजमान देख पाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए। आज अयोध्या में आप जाएंगे, क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है, रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। और ऐसी कृपा है प्रभु की कि चारों ओर खुशहाली है, और इसी खुशहाली में राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। तीसरा कार्यकाल मोदी जी को दीजिए। अभी सुशांत सिंह कह रहे थे ना, यहां पे जो बंगालियों की जमीन से संबंधित मामले, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। आप चिंता मत करिए, यहीं पे आकर के हम लोग करने जा रहे हैं, उस समय बड़े फंक्शन करने जा रहे हैं। यहां पे विश्वविद्यालय दे दिया गया है, गुरु जंबेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में होने जा रही है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी, यहां के नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। महाराज विदुर के नाम पर, महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यही बिजनौर में हो रहा है। बहनों और भाइयों, और टाइगर के क्षेत्र में आएंगे तो टाइगर जैसा काम भी तो करेंगे। अमानगढ़ का भी एक इको टूरिज्म का वर्ल्ड क्लास सेंटर भी बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है, विरासत भी है, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। इन सब को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, और आप सब से अपील करने के लिए कुंवर सर्वेश सिंह को फिर एक बार मौका मिलना चाहिए कमल चुनाव चिन्ह पर, मुरादाबाद के लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, बुरहानपुर के विकास के लिए। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन याद रखना, पहले ही चरण में चुनाव है। आज जो है 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन भी है जी, आज तो बैसाखी का दिन भी है। बैसाखी की भी शुभकामना। और आज ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं भी लखनऊ गुरुद्वारे से ही यहां आया हूं, थोड़ा मुझे देर इसीलिए हुई। मैं सभी सिख बंधुओं को भी बैसाखी के साथ साथ खालसा पंथ की स्थापना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन 1699 में इस संकल्प के साथ कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू, सकल भंड भाजे, इस संकल्प के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी। बहनों और भाइयों,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा स्थापित खालसा पंथ हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे महत्वपूर्ण बनकर के उभरा था। चार चार पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादे बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया, तब भी वह देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जूझते रहे, विधर्मियों को और आक्रांताओं को जवाब देते रहे। आज मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, प्रदेश ने भी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा गुरु नानक देव जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ करतारपुर साहिब, उस स्थान का भी